नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 27 दिसंबर। आज का सवाल हमारे आज के इस वीडियो में से होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के दिए आदेश, सभी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना। लगातार ठंड के असर को बढ़ता देखकर बिहार के कई जिलों के जिलाधिकारियों ने 28 दिसंबर तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश फिलहाल नवादा, सिवान, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में जारी किया गया है। जिलाधिकारियों के अगले आदेश आने तक सभी स्कूल को बंद ही रखा जाएगा। आपको बता दें, शीतलहर बहने के कारण बिहार के अधिकतर जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि मौसम में ठंड का असर भी बढ़ गया है। पटना जू में न्यू ईयर के लिए एडवांस टिकट बुकिंग हुआ शुरू। अगर आप भी नए साल में जू जाने का मन बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए और जाकर जू की टिकट की प्री बुकिंग करवा लीजिए। ऐसा करवाने से एक तो आपको उस दिन की टिकट निश्चित तौर पर मिल जाएगी और दूसरा उस दिन लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस से भी आपको निजात मिल जाएगा और आप आराम से बिना किसी भीड़ का हिस्सा बने जू का भ्रमण कर सकते हैं। आपको बता दें, संजय गांधी जैविक उद्यान में न्यू ईयर के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंगन घाट टेंट सिटी में मुख्यमंत्री ने की सेवा। सिख धर्म के लोग सेवा करने में बहुत विश्वास रखते हैं, तभी तो जब बात सेवा की आती है तो कौन छोटा कौन बड़ा, हर कोई एक समान सेवा की भावना से लोगों की सेवा करते हैं और ऐसा ही कुछ करते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 353वें प्रकाश उत्सव पर नीतीश कुमार ने लंगर में सेवा की, साथ ही साथ खुद भी लंगर का स्वाद चखा। इतना ही नहीं, तख्त श्री हरिमंदिर के गुरुघर पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका और प्रदेश की तरक्की की मनोकामना की। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की स्थापना से खुश है भाजपा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बीते बुधवार को मनाई गई थी। जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसके लिए भाजपा सांसदों ने बिहार सरकार एवं नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया है। ज्ञात हो, अटल बिहारी वाजपेयी की इस प्रतिमा की स्थापना पाटलिपुत्र पार्क में की गई है। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सौरभ सुनील तिवारी की। सौरभ सुनील तिवारी भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। सौरभ धोनी के बहुत बड़े फैन में से एक है। धोनी की तरह ही उन्होंने अपने आप को एक समय में ढालना शुरू कर दिया था। सौरभ मूल रूप से बिहार के निवासी है। सौरभ का जन्म तो बिहार में हुआ था, मगर सौरभ का परिवेश झारखंड के जमशेदपुर जिले में हुआ है। 14 साल की उम्र से सौरभ ने झारखंड के लिए खेलना शुरू कर दिया था, जहां से उनके क्रिकेट करियर का शुभारंभ हो गया था। अपने करियर में उन्होंने कुल मिलाकर 3 ODI खेले हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 49 रन बनाए हैं। रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स अब देख सकेंगे अपनी कॉपी। सभी इंटर और मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। अब किसी भी छात्र को परीक्षा में उम्मीद अनुसार कम अंक आने पर निराश होकर संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब वो खुद भी अपने कॉपियों का आकलन कर सकते हैं। इसके लिए अब बस छात्रों को कॉपी लेने के लिए बिहार बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। साथ ही साथ कॉपी जाँच के लिए 500 रुपए देने होंगे, वहीं OMR शीट के लिए 100 रुपए जमा करवाने होंगे। नए साल पर पुलिसकर्मियों को मिलने जा रहा है तोहफा। सभी कार्यरत पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार सभी पुलिसकर्मियों के लिए नए साल का तोहफा लेकर आई है, जिसके तहत नए साल में पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के लगभग 500 पुलिस वालों को प्रमोशन और फायदा मिलने जा रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रस्ताव से संभावित प्रमोशन को औपचारिक तौर पर पूरा करने का आदेश भी सभी अधिकारियों को दे दिया गया है, जिसके पश्चात 15 जनवरी तक सभी 500 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का लाभ मिलने लगेगा। PMCH में ट्रॉली की समस्या से मिलेगा निजात। आने वाले समय में PMCH में बहुत कुछ बदला सा नजर आने वाला है, जिसके तहत अब PMCH में लंबे समय से चलते आ रहे ट्रॉली की समस्या से अब निजात मिलने वाला है, क्योंकि अब PMCH परिसर में लगभग 100 ट्रॉली मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 6 ट्रॉली की डिलीवरी की जा चुकी है। इसके अलावा जल्द ही PMCH परिसर में रैन बसेरा और दूध क्लब के निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी, जहां से PMCH आए लोगों को मुफ्त में दूध मुहैया करवाया जाएगा। कोहरे के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ फेरबदल। ठंड के साथ साथ अब राजधानी पटना समेत कई जिलों में कोहरे का असर देखने को मिलने लगा है। कोहरे के बढ़ जाने से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर वाहनों और ट्रेनों के परिचालन पर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ रेलवे विभाग में भी देखने को मिला है। कोहरे के कारण बिहार से संचालित होने वाली कई ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुशवाहा ने अलापा, एकला चलो का नारा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर राजद का साथ नहीं मिलने के कारण अब एकला चलो का नारा लगा रहे हैं, जिसके तहत अब कुशवाहा बिहार के कई जिलों में कैब के खिलाफ आवाज उठाने अकेले ही निकलेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने कल से ही कर दी है। समझो समझाओ देश बचाओ नामक इस यात्रा को अब कुशवाहा महागठबंधन दल के किसी भी पार्टी के बिना सहयोग के ही खुद इस यात्रा को लीड करेंगे।
अब माउस के जरिए घूमेगी बिहार बोर्ड में फाइलें। नए साल से बिहार बोर्ड अपने कार्य प्रणाली में ढेर सारे बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत नए साल से अब बिहार बोर्ड में फाइलों का ट्रांसफर माउस के जरिए किया जाएगा, जिससे कि छात्र के लिए अनेक विकल्पों का दरवाजा खुल जाएगा। ज्ञात हो इन दिनों बिहार बोर्ड अपने काम करने के अंदाज को बदलने में लगा हुआ है, जिसका असर पिछले एक साल में देखने को भी मिला है। आज बिहार बोर्ड दूसरों के लिए उदाहरण का स्रोत बना हुआ है। झारखंड चुनाव के परिणाम का असर दिखने लगा है एनडीए दलों में भी। झारखंड विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, मगर उसका असर अभी तक एनडीए दलों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। एनडीए दल के नेता ही भाजपा पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा अपनी गलती से झारखंड में हारी है। रघुवर दास भी खुद को सुपर सीएम समझने लगे थे और यही कारण है कि उनकी राजनीति में उल्टी गिनती शुरू हो गई। लखीसराय के माँ दुर्गा स्थान पर देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। माँ दुर्गा का यह मंदिर लखीसराय जंक्शन से 10 किलोमीटर दक्षिण में लखीसराय थाना क्षेत्र के शर्मा में क्यूल नदी के किनारे स्थित है। दशहरे के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो देखने लायक होता है। यहाँ आने के लिए लखीसराय स्टेशन के पास से आपको ऑटो मिल जाएगा। झारखंड के बाद अब राजद गढ़ रहा दिल्ली मंत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स पहुंचे, जहां से आने के पश्चात उन्होंने मीडिया को दिए अपने एक साक्षात्कार में बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली जीत से वो बहुत खुश हैं और अब बिहार विधानसभा के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर भी काम करने वाले हैं। पटना में लग गई अरुण जेटली की पहली प्रतिमा। बिहार सरकार के वादे के अनुसार राजधानी पटना में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा लगा दी गई है, जिसका अनावरण 28 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बता दें अरुण जेटली की यह प्रतिमा पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क नंबर 3 में लगाई गई है। ज्ञात हो इस वर्ष 24 अगस्त को अरुण जेटली ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके पश्चात बिहार सरकार ने अरुण जेटली के बिहार राजनीति में योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रतिमा को बनवाने का ऐलान किया था। जदयू के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अगले साल 22-23 जनवरी को जदयू अपने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें जदयू के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की जानकारी जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरसीपी सिंह ने देते हुए कहा कि 22 और 23 जनवरी को राजगीर के कन्वेंशन हॉल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो भी लोग इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनेंगे वह मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की नीतियों का प्रशिक्षण देकर जनता तक पहुंचाएंगे। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा साल 2019 के पैटर्न पर ही होगी। सीबीएसई के सभी 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने हाल ही में सभी छात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत बोर्ड ने यह साफ कह दिया है कि आगामी इंटर की परीक्षा में प्राइवेट छात्रों को 6 सब्जेक्ट्स की परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए साल 2019 के पैटर्न पर ही होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सीबीएसई ने इस साल सभी प्राइवेट और नियमित छात्रों का एक साथ परीक्षा लेने का निर्देश जारी किया है। 28 दिसंबर को शेखपुरा जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिलों का भ्रमण कर जगह जगह जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत शुरू की गई योजनाओं का भी जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शेखपुरा जिले में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो मत्स्य पालन और जल संचयन का अवलोकन करेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेखपुरा भ्रमण के बाद उसी दिन राजगीर के लिए रवाना हो जाएंगे। ज्ञात हो मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। लालू से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन सरकार को मिली जीत के बाद हर कोई खुशियां मना रहा है, जिसका श्रेय कहीं न कहीं लालू यादव को भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में नई सरकार के गठन को लेकर लालू यादव से मिलने पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने झारखंड में संभावित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की भूमिका पर विचार विमर्श किया। भाई वीरेंद्र ने सुशील मोदी पर कसा तंज। राजद के मंत्री भाई वीरेंद्र ने सुशील मोदी के उस बयान पर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में अभी भी 33.4% वोट के साथ भाजपा का जनाधार बाकी की पार्टियों से ज्यादा है। इसी पर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यहां झारखंड में भाजपा चुनाव हार गई और सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि झारखंड में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। इससे यही पता चला है कि सुशील मोदी कितने बड़े बयानवीर हैं। व्हाट्सएप ने रोल आउट किया अपना डार्क मोड फीचर। सभी व्हाट्सएप यूजर्स को काफी लंबे समय से डार्क मोड फीचर का इंतजार था, जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। व्हाट्सएप ने सभी यूजर्स के लिए इस डार्क मोड फीचर को लॉन्च कर दिया है। इस फीचर से अभी तक व्हाट्सएप यूजर्स का बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा और उस पर व्हाइट कलर के टेक्स्ट लिखे जाएंगे। हालांकि अभी ये फीचर सीमित मोबाइल फोन में ही उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन एक बार टेस्टिंग के बाद इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्रिसमस पर साथ साथ नजर आए अर्जुन और मलाइका। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता किसी से भी अब छुपा नहीं है। दोनों कई मौके पर साथ साथ नजर आए हैं, चाहे वो कोई वर्ल्ड टूर हो या फिर कोई लंच डेट। कई जगहों पर दोनों एक साथ स्पॉट किए गए हैं। एक बार फिर क्रिसमस के मौके पर दोनों सेलिब्रिटीज एक साथ नजर आए हैं, जहां पर ये दोनों मलाइका की मां के घर क्रिसमस मनाने एक साथ पहुंचे थे।
इस वर्ष ली गई 10 हैट्रिक्स में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल, साल 2019 खत्म होने की कगार पर खड़ा है। इस वर्ष बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस वर्ष क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 10 बार हैट्रिक ली गई है, जिसमें से 4 भारतीय खिलाड़ी द्वारा ली गई है। टेस्ट में एकमात्र हैट्रिक बुमराह ने ली है। इस वर्ष 3 वनडे हुए हैं, जिसमें से 2 भारत के मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने लिया है, जबकि 1 ट्रेंट बोल्ट ने। वहीं T20 में इस वर्ष कुल 6 हैट्रिक हुए हैं, जिसमें 1 भारत के दीपक चाहर ने लिया, जबकि अन्य में राशिद खान, लसित मलिंगा, मोहम्मद हसनैन, खबर अली और नॉर्मन वनुआ ने लिया है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 4 जनवरी को बेगूसराय यात्रा पर पहुंचेंगे नीतीश। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बेगूसराय जिले पहुंचेंगे, जहां वो बेगूसराय के साहपुर कमाल प्रखंड के सातपुर पूर्वी गांव को भ्रमण करेंगे, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू की जा चुकी है। खबरों के अनुसार 4 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर गंडक नदी के किनारे राजा जी के फार्म हाउस पर उतरेगा, जहां से वो सड़क मार्ग होते हुए पंचायत भवन जाएंगे और वहां लगभग 6 एकड़ में बने पोखर का भ्रमण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कॉपी रीचेकिंग के प्रावधान में किए गए बदलाव से छात्रों को कितना फायदा होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।